और यूपी के प्रयागराज में परीक्षार्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। यूपी पीएससी के छात्र विरोध कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर लगातार छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और एक ही पाली में परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं छात्र। और ऐसे में आपको बता दें कि कल से जो प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी वो लगातार जारी है और साथ ही साथ इस वक्त भी जो तमाम छात्र हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने कहा है कि शासन की गाइडलाइंस के अनुसार पीसीएस प्री परीक्षा निर्धारित तिथि 7 और 8 दिसंबर को और आरओ एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होगी। प्रतियोगी छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी है, लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से लगातार जो छात्र हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन लगातार छात्रों की तरफ से किया जा रहा है, तो प्रयागराज में यूपीपीएससी के परीक्षार्थियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को देर रात से मिल रहा है। तो प्रयागराज में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हजारों की संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सड़क पर नजर आ रहे हैं। प्रशासन और आयोग से छात्रों की बातचीत बेनतीजा निकली है। आरओ एआरओ की परीक्षा को दो शिफ्ट में कराने को लेकर विवाद है। दो दिन और दो अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा कराने का जो विरोध है वो किया जा रहा है। तो प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय यूपीपीएससी के सामने देर रात से प्रदर्शन चल रहा है। जमीन पर पानी की बोतल पीटकर छात्र रात भर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे भी बढ़ने की छात्रों की तरफ से कोशिश की गई। आंदोलन पर काबू पाने के लिए रात में स्ट्रीट लाइट्स भी काट दी गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में और छात्र वहां पहुंच गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी नजर आया। आयोग ने रात को 10:18 पर 7 पॉइंट्स में बयान जारी किया। आयोग ने कहा कि आयोग और सरकार ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए दो पालियों में परीक्षा का निर्णय लिया था। कुछ लोग छात्रों को बरगला रहे हैं। इससे पहले सोमवार सुबह पुलिस ने कैंडिडेट्स को लाठी चार्ज करके खदेड़ दिया था। इस दौरान भगदड़ मचने से कई छात्र चोटिल हो गए थे। फिर करीब 10,000 छात्र आयोग के कार्यालय से थोड़ी दूर धरने पर बैठ गए और लगातार बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं के नारे वहां पर नजर आ रहे हैं। सोमवार को यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों से हजारों कैंडिडेट्स आयोग कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शन पहले से तय होने के चलते पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और आयोग से करीब 500 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। कैंडिडेट आयोग तक आने पर अड़े थे, ऐसे में बैरिकेडिंग तोड़ दी गई उनके द्वारा और हालात भी बेकाबू हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज करके छात्रों को यहां से हटाया। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रवि कुमार लखनऊ से और अमित श्रीवास्तव हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। मैं सीधा सबसे पहले अमित श्रीवास्तव का ही रुख करता हूं। अमित श्रीवास्तव, इस वक्त क्या स्थिति है मौके पर, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? प्रदर्शन क्या अभी भी जारी है छात्रों का? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे इस समय लोक सेवा आयोग गेट पे मौजूद हूँ और प्रदर्शन जो है इस समय लगातार जारी है और हमारे पक्ष का नजारा आप देख सकते हैं किस तरह से जो छात्र है वो यहाँ पे आंदोलनरत है और यहाँ पे जो छात्र है लोक सेवा आयोग गेट पर जो ग्रुप है इसी के सामने ये लगातार प्रदर्शन है और देख सकते हैं इस तरह का यहाँ का इतिहास है। क्या यहाँ पर चाहे जो है वो भी है और साथ में हमें देख सकते हैं जो छात्र है भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। अभी जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे यहाँ पे जो पक्की होगी वो और यहाँ पे जो छात्र है वो और आते जाएंगे और यहाँ पे भीड़ बढ़ जाएगी। और यदि लोग सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे गेट पे ही आर ए एफ लगाई गई है, काफी आक्रोश है। तो अभी यहाँ पे स्थिति है वो काफी बदली हुई है और यहाँ पे जो छात्र है वो आंदोलनरत है और छात्रों से भी बात करना चाहेंगे, उनसे ही पूछते हैं
ठीक है अमित, मैं रवि का रुख करता हूँ। रवि हमारे साथ लखनऊ से बने। रवि, प्रयागराज में जिस तरीके से बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लखनऊ के क्या रुख है इस प्रदर्शन पर? देखिए, परीक्षाओं को 2 दिन में कराने का निर्णय के विरोध में छात्रों ने सोमवार को जिस तरीके से लोक सेवा आयोग के गेट पर धरना प्रदर्शन किया, वहीं आपको बता दें देर शाम तक प्रदर्शन भी देखने को मिला। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों की जो मांग थी कि जिस तरीके से कि एक शिफ्ट में ही पीसीएस परीक्षा पूरी 2024 और आरओआरओ और एआरओ की जो पूरी परीक्षा है वो कराई जाए। हालांकि इसको लेकर यूपीएससी ने देर शाम जो बयान जारी किया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर छात्रों की मांग को लेकर ये पूरे जो बयान है वो जारी करने के साथ में उनको भरोसा दिलाने की कोशिश की गई, पूरी निष्पक्षता के साथ में परीक्षा है वो कराई जाएगी, स्वच्छता के साथ ये पूरी छात्रों के भविष्य को देखते हुए पूरी तैयारी की गई है और निश्चित तौर पर उसको लेकर भी जानकारियां है वो साझा की गई। उसे ये भी कहा गया है किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की संभावना भी नहीं होने दी जाएगी निश्चित तौर पर, और पूरी छात्रों की अभ्यर्थियों की जो पूरी मांग को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कराने का निर्णय है वो किया गया। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यूपीएससी और उसके अलावा जो छात्र हैं वो आमने सामने जरूर नजर आ रहे हैं जी। लेकिन सवाल ये है रवि कि जो ये गतिरोध इस वक्त जारी है जहां छात्रों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि एक ही पाली में परीक्षा हो एक ही दिन, ऐसे में कल 7 पॉइंटर्स जो हैं वो दिए गए यूपीपीएससी की तरफ से, लेकिन आखिर जब छात्र बात सुनने को तैयार नहीं है तो ऐसे में क्या एक और राउंड की बातचीत जो है वो हो सकती है, इसकी संभावनाएँ हैं? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से पूरी जो एक माहौल बिगड़ा और उसके बाद फिर उनको समझाने का प्रयास है वो लगातार जारी रहा, और यूपीएससी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार एवं आयोग की जो मंशा है छात्र हितों को संरक्षित करते हुए मेरिट के आधार पर चयन है वो सुनिश्चित करना है और पूरी पारदर्शी तरीके से पूरी जो परीक्षा है वो की जाए और निश्चित तौर पर एक बेहतर ढंग से इस परीक्षा को आयोजित करने का प्लान है वो किया गया है। छात्रों के भविष्य को देखते हुए पूरी शुचिता के साथ परीक्षा को कराने का जो निर्णय है वो लिया गया है। हालांकि जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं जरूर नाराज थे, वो जिस तरीके से छात्रों की मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए जरूर यूपीएससी ने जरूर विचार किया है। हालांकि इसको लेकर जो बयान है वो जारी किया और साफ तौर पर छात्रों को मनाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन जो छात्र हैं वो जिस तरीके से पूरा विरोध प्रदर्शन था उनका देखने को मिला और जिस तरीके से देर शाम तक ये विरोध है वो देखने को मिला है। फिलहाल देखना होगा आज की क्या कुछ तस्वीर है वो देखने को मिलती है जी। और जिस तरीके से स्थिति भी नजर आ रही है, मैं अमित श्रीवास्तव का रुख करता हूँ। अमित, यदि संभव हो तो कुछ छात्रों से आप जरूर बात करने की कोशिश करें नेटवर्क एरिया में रहकर, ताकि ये पता चल पाए कि आखिर छात्रों की वास्तविक मांग क्या है और क्यों वो नहीं चाहते कि जो परीक्षा है वो 2 पालियों में हो और 2 दिन हो।